नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयप्रकाश राजभर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इतिहास में मैं आपको बताऊंगा आजमगढ़ के बारे में। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर आजमगढ़ गजेटियर है, उसे आप ध्यान से देख लीजिए। और जिस भाई को भी ये गजेटियर चाहिए, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट का एक जेरोक्स निकाल कर आप अगर अपने आरटीआई एप्लीकेशन के साथ लगा कर इसको रेफ़र करते हुए अगर आप भेजेंगे राजकीय अभिलेखागार में, तो भी आपको सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे राजभर समाज के बारे में क्या लिखा गया। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पेज नंबर 165 पर, और 165 पर आपको अचरज भरी बातें लिखी हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा। और ये आप कई सारे इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है, जिसकी मैं सराहना करता हूँ तहे दिल से, और सारे इतिहासकारों की मैं सम्मान भी करता हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इतिहास देखते हैं। ये हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऊपर से सातवीं लाइन। According to the traditions current among the present inhabitants, the former occupant of the district were Bhars and Rajbhars, Shaurya and Cherus. दोस्तों, इसका मतलब है कि ट्रेडिशन और इनकी खोज से ये पता चलता है कि जो इनिशियल यहाँ पे शुरुआती जो यहाँ के लोग थे, यहाँ पे राज करने वाले थे, वो भर राजभर थे, चेरू और शेरू थे। माने कि ये अलग अलग जाति के लोग जो उस समय के लड़ाकू जातियाँ थी, उनका अपना अपना क्षेत्र इलाका था और वहाँ पर वो राज करते थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजभर चीफ नेम्ड असिल देव इज सेड टू बी लिव्ड इन डिहडौर इन परगना माहौल। परगना माहौल में डिहडौर इलाके के राजा असिल देव थे, असिल देव राजभर थे। और उसके बाद क्या लाइन कहता है, द ओल्ड टैंक्स एंड माउंट्स एट द दैट प्लेस आर सेड टू बी अ साइन ऑफ हिज पावर। और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो ओल्ड टैंक्स माने जो बड़े बड़े पोखरे हैं, और माउंट्स माने पुराने किले हैं, ढुए हैं, वह साइन ऑफ हिज पावर माने उस शक्ति की, उनकी शक्ति की ये निशानी है। उसके बाद बताया गया कि क्षत्रिय उसके बाद आए, कई सौ वर्ष बाद आए, और उन्होंने इस क्षेत्र को इन्वेंट किया, इस क्षेत्र को उन्होंने जीता, और उसके बाद उनका राज यहाँ पर कायम हो गया। उसके बाद असिल देव के अलावा भी यहाँ पर राजा हुए हैं। यहाँ पर एक राजा हुए अयोध्या राजभर, जो कौरिया के राजा थे, कौरिया क्षेत्र के राजा थे। इसके अलावा यहाँ पर एक और राजा हुए हैं, उस राजा का नाम है गरखदेव, वह सगरी के राजा थे। और उसके बाद दोस्तों, ये एक विचित्र चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है लास्ट लाइन में कि बट देर इज़ अ लीजेंड दैट द फोर्ट वॉज इरेक्टेड बाय असुर्स। यहाँ पर कई जातियों के द्वारा जो फोर्ट बनाया गया है, मेनली राजभर भर के द्वारा, उसको यहाँ की जो बात की जाती है, जो राज करने आई क्षत्रिय जातियाँ, वो कहती हैं कि असुरों द्वारा बनाया गया। अभी क्यों कहा उन्होंने असुरों के द्वारा, ये तो डिबेट का विषय है, लेकिन इनिशियल लेवल पर, शुरुआती लेवल पर यहाँ पर राजभर राजाओं का राजा था, या इस शोध से, इस गजेटियर के शोध से, इस पुरातत्वविदों के शोध से यह जानकारी मिलती है, जो बहुत ही अद्भुत जानकारी है। माने आजमगढ़ के भी राजा हमारे समाज के लोग थे। तो दोस्तों, इस अद्भुत जानकारी के बारे में आपका क्या सोच है, क्या मत है, मुझे रिप्लाई करके ज़रूर बताइए। और इसी के साथ मैं एडवोकेट जय जयप्रकाश राजभर विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय राजभर समाज।